महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद यमुनानगर में भी एक स्कूली बच्चों के साथ हादसा हुआ है। ऑटो और बाइक की टक्कर में एक मासूम छात्र की मौत हो गया, जबकि 5-6 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। इस वक्त मैं प्राइवेट अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, जहां इस बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं गया। बताया जा रहा है कि कमानी चौक पर यह हादसा हुआ था, जिसमें ऑटो और बाइक की टक्कर हुई। बताया ये भी जा रहा है कि रेड लाइट जंप करते समय यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 बच्चों को तो मामूली चोटें आई है, लेकिन एक बच्ची को, जिसका नाम हिमानी थी, 3री क्लास में पढ़ती थी, उसकी उम्र 8 साल थी, उसे जो है गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद उसे बचा नहीं गया। आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग, जो आसपास के लोग, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें प्राइवेट अस्पताल के बाहर की हैं। इनके परिजन जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बच्ची का नाम हिमानी बताया जा रहा है, उसकी 3री क्लास में वह पढ़ती थी, 8 साल उसकी उम्र थी, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद भी उस बच्ची को बचाया नहीं गया। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में भी बीते दिनों एक बड़ा स्कूली बस हादसा हो गया था, जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई थी और कई बच्चे घायल हुए थे। हिमनगर में भी हालांकि पुलिस की तरफ से जो है तमाम जो है चेकिंग वगैरह की जा रही थी, लेकिन रेड लाइट जंप करते समय यह हादसा हुआ है। वो बताया जा रहा है कि बच्ची जो है ऑटो के नीचे दब गई, हालांकि उसे गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं गया है। पुलिस ने जो बाइक चालक था उसे हिरासत में ले लिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।